नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा था। प्रतिशत के चार टाइप हो चुके हैं, आज हम पांचवे टाइप करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना। देखिए, आज हम पांचवी टाइप करने जा रहे हैं। पांचवी टाइप है परीक्षा संबंधी। इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें परीक्षा का कुल पूर्णांक, देखिए हमारे सब्जेक्ट होते थे 10th तक 6 विषय होते थे, 6 विषय होते थे तो उनका 100-100 का पूर्णांक होता था, टोटल 600 का पूर्णांक होता था। तो देखिए इसमें परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए उसने परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, वह 30 अंक से फेल होगी, तो उसको फेल होने के, फेल हुई है 30 अंक से, तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 180 अंक तो उसने प्राप्त किए हैं, 30 अंक से फेल हुई है तो 30 अंक और चाहिएंगे, तो टोटल कितने अंक हो गए? 210 अंक हो गए। और परसेंटेज में कितने अंक प्राप्त किए? भाई उत्तीर्ण अंक कितना है? 30% है, तो 30% में 30% और वैसे अंक कितने हैं? 210। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? किसके इक्वल आएगा? 1% कम आएगा, कम आएगा तो 210 के 210 के 30 डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए पूर्णांक होता है वो 100% ही होता है। कोई भी संख्या अपने आप कितनी होती है? 100% ही होती है। तो 100% क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो काट पीट के जितना भी आएगा कितना आया है? 700। कितना आंसर हो जाएगा पूर्णांक? 700। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए सीता को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 310 अंक पाना जरूरी है। सीता को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 310 अंक पाना जरूरी है। सीता को 28% अंक मिले, कितने परसेंट अंक मिले? 28% अंक मिले, और उसे 93 अंकों से फेल घोषित किया गया, और उसे 93 अंकों से फेल घोषित किया गया, तो पूर्णांक ज्ञात करो। वैसा ही क्वेश्चन है, पहले जो किया था वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए 28% अंक तो उसने प्राप्त किए हैं और 310 अंक लाना पाना जरूरी था उसको, तो वह कितने अंकों से फेल हुई है? 93 अंकों से फेल हुई है, तो उसके कितने अंक आए? 310 तो पाना जरूरी था, 93 से फेल हुई है, कितने अंक आएंगे? घटेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 217 अंक प्राप्त हुए। अब देखिए परसेंटेज में कितने अंक प्राप्त हुए? 28% में 28% किसके इक्वल है? 217 अंक के इक्वल है, तो 1% कितना आएगा? कम आएगा, कम आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड किससे होगा? 217 के 28 डिवाइड होगा। अब देखिए पूर्णांक 100% आएगा, 100% आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ रहा है, ये 775। कितना आ रहा है? 775 आ रहा है, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 775। कितना आ रहा है ये? 775, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 775। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए? 30% अंक प्राप्त किए, और वह 6 अंकों से फेल हो गया, और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य दूसरे प्रत्याशी ने 40% माने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए उसे न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से
छह अंक अधिक प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम अंक कितने थे? तो देखिए, फर्स्ट विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और छह अंकों से फेल हो गया। सेकंड विद्यार्थी ने 40%, मैंने इससे 10% अंक अधिक प्राप्त किए हैं और छह अंक अधिक हैं। तो देखिए, परसेंटेज में अंक कितने हैं, मतलब इनका अंतर कितना है परसेंटेज में, 10% का, और अंकों का अंतर, देखिए अंकों का अंतर कैसे होता है, छह अंकों से फेल हुआ है, तो छह अंक तो इसको पास होने के लिए चाहिएंगे और छह अंक इसने अधिक प्राप्त किए हैं, तो कितना अंतर हो जाएगा, 12 अंक का। कितना अंतर हो जाएगा, 12 अंक। अगर देखिए साइड में देखिए, फेल अधिक आए, फेल और अधिक आए तो प्लस, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फेल और कम आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई दोनों सेम है, फेल और फेल आए तो भी माइनस करेंगे, दोनों सेम सेम है। फेल 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 और पास आए तो क्या करेंगे, वो फेल है और एक पास है तो दोनों को प्लस करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आया है तो एक तरीका और इसका, देखिए दोनों अलग अलग हैं, फेल अधिक हो या फेल पास हो, फेल फेल हो और फेल कम हो। देखिए क्या होता है, किसी की सगाई होती है तो क्या करते हैं, देखिए गोत मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, गोत्र मिलाते हैं। तो किसी का गोत्र मिल गया तो उनकी सगाई नहीं होती है, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो दोनों ही गोत्र मिल गए, मिल गए तो क्या हो जाएगा, माइनस, माने अलग होंगे तो माइनस होगा। भाई जैसे हम करते हैं किसी संख्या में से घटाते हैं तो वो अलग ही होते हैं एक प्रकार से, तो गोत्र ने गोत्र मिल गए तो अलग अलग हो गए, भाई माइनस हो गया। अगर गोत्र नहीं मिले तो उनकी सगाई हो जाती है तो वो जुड़ जाते हैं, मतलब रिश्ता जुड़ गया तो उनको जोड़ देते हैं। तो ये अलग अलग ही है, देखो फेल है एक अधिक है, तो अधिक है वो पास ही है एक प्रकार से, तो फेल हो गया और एक पास हो गया, तो दोनों का रिश्ता मिल गया तो इनको जोड़ देंगे। देखिए आगे, 10% में, परसेंट में कितना अंतर आया, 10% का, अंकों में कितना आया, 12 का। 1% क्या हो जाएगा, 12 में से 10 का डिवाइड होगा, 1% क्या होता है, कम होता है, कम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब 100% देखिए अधिक है 1% से, भाई 100% क्या है, अधिक है, अधिक है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अपॉन 10, 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 होगा। 1 0 से 1 0 कटेगी, कितना आएगा, 120 आएगा, कितना आएगा, 120। तो अधिकतम अंक कितने हो गए, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई, और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में परसेंटेज दो दे रखे हैं, 20% अंक प्राप्त किए और परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, 30%, तो दोनों परसेंट का अंतर कितना है, अंतर कितना है, 10% का। और देखिए 72 अंक से फेल हुई है तो वे अंकों का क्या है, डिस्टेंस, मतलब क्या है, अंतर है, 72 अंक का क्या है, अंतर है, तो 10% इक्वल क्या हो जाएगा, 72। 1% कम होगा, कम होगा तो डिवाइड होगा, तो 72 अपॉन 10। अब 100% पूर्णांक होता है तो 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से 10 कटेगी तो कितना आएगा, पूर्णांक 720 आएगा, पूर्णांक कितना हो जाएगा, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 35 अंक, मतलब 35 अंक अधिक थे, इंक्रीज थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था, तो बताओ परीक्षा का कुल
पूर्णांक क्या था? देखिए, पहले ने 25% अंक प्राप्त किए, मतलब सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए हैं, 25%। और दूसरा आ गया उससे कि अंशुल है, अंशुल ने कितने किए हैं? 40%। अंशुल तो 35 अंक अधिक ले आया है और सरिता 40 अंक से फेल होगी। तो वही बात है, परसेंटेज का अंतर कितना है दोनों का? 15% का। कितना है? 15% का। इसके इक्वल क्या आएगा? देखिए अंकों में अंतर क्या है, देखिए वही बात है, सगाई वाली बात है। गोत्तर देखिए नहीं मिले, गोत्तर नहीं मिले हैं क्योंकि वो तो फेल है और ये पास है, पास से भी अधिक है, तो गोत्तर नहीं मिले। तो जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो 40, 40 और 35 ऐड होंगे तो 75। अब देखिए 1% करेंगे तो डिवाइड होगा, 15 का डिवाइड किया तो क्या आया? 15 × 5 = 75, 100% आएगा। वो क्या आ जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत क्या? बता देना भाई कोई दिक्कत हो तो। देखिए अब अगली टाइप करते हैं, चट्टी टाइप, सिक्स टाइप। देखिए है परीक्षा संबंधी, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, कोई हिंदी में पास हो रहा है, कोई इंग्लिश में हो रहा है, कोई मैथ में हो रहा है, कोई फेल भी हो रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। हिंदी में फेल हैं और अंग्रेजी में भी फेल हैं। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो गए, देखिए 70% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हैं, क्या हैं? फेल हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है? ये क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। देखिए इंग्लिश में 42% है, हिंदी में 52% है। अब देखिए फेल है दोनों, तो इन दोनों को पहले ऐड करो, दोनों फेल हैं तो इन दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना होगा ऐड? 94। अब देखिए दोनों विषय में फेल हैं तो 17% फेल हैं, तो ये इससे क्या होगा? माइनस होगा। ये इससे क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस हुआ तो कितना आया? 77% फेल। क्या आया? 77% फेल। अब देखिए पास कितने? देखिए भाई टोटल होता है 100%, 100% में 77% फेल हैं तो पास कितने हुए? 23% क्या हुए? पास हुए। अब देखिए 100% में 77 हम माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे? 23% पास। यही पूछा था, दोनों विषय में पास कितने हुए? 23% पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए इसमें बच्चों 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में है और मैथ में कितने हैं? 80% विद्यार्थी मैथ में हैं, ये पास हुए हैं। तो टोटल पास कितने हैं? 150। कितने पास हैं? 150। अब देखिए 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, क्या बता रहा है? 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। देखिए लास्ट में क्या दे रखा है? दोनों विषयों में विद्यार्थी कितने पास हुए हैं? पास बता रखा है, तो हमें इस फेल को पास में चेंज करेंगे, इस फेल को पास में चेंज करेंगे। 10% अगर फेल है तो 90% क्या आएंगे? 90% क्या होंगे? पास होंगे। अब पास होंगे तो
90% दोनों विषयों में पास हुए ये। अगर दोनों विषयों में पास हमने कितने करेंगे टोटल है 150, तो 150 में कितने माइनस होंगे, 90% माइनस होंगे, तो कितना आ जाएंगे पास के, 60% पास आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए फेल दे रखे थे, दोनों फेल थे इंग्लिश हिंदी में भी, और दोनों विषय में 70% फेल थे, तो इसीलिए हमने दोनों को ऐड करके 17% क्या किया था, हमने माइनस किया था। इसमें पास दे रखे हैं लेकिन लास्ट में देखिए 10% तो फेल दे रखा है, तो इसको पास में चेंज करना पड़ेगा। अगर 144 विद्यार्थी फेल दे रखे होते तो अंग्रेजी और गणित में जो पास हुए हैं उनको फेल में चेंज करते और फिर दोनों को ऐड करके 10% में माइनस करते, लेकिन इसमें उल्टा है, पास दे रखा है तो हमें ओनली जो 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं उनको ही चेंज करना होगा, क्योंकि ऊपर तो पास दे ही रखे हैं। तो 150% में 90% माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 60% पास आ गए। परसेंटेज में 60% पास हैं, वैसे विद्यार्थी कितने पास हैं, 144 पास हैं, तो 1% क्या आएगा, कम आएगा, कम कितना आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 144 में कितना डिवाइड होगा, 60 का। अब देखिए कुल संख्या ज्ञात करनी है विद्यार्थियों की, फाइंड करना है विद्यार्थी संख्या, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई टोटल विद्यार्थी क्या आएंगे, 100% आएंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है 240, कितना आ रहा है 240। अगर बच्चों आपके समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। देखिए अनुत्तीर्ण भी क्या होता है, फेल के बराबर होता है, फेल ही होता है, फेल हुए। यदि दोनों विषयों में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं, भाई पहले फेल बता रखे हैं और दोनों विषयों में फेल बता रखे हैं, तो ये बात कौन सी हुई, पहले क्वेश्चन किया था वही बात हुई, तो ये बोल रहा है बताओ दोनों विषय में कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल कितने हुए, ये पूछ रहा है। देखिए बच्चों 30% छात्र संस्कृत में फेल हुए हैं और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं, दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हैं, तो पहले तो संस्कृत वाले और अंग्रेजी वाले को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, 10% दोनों विषयों में फेल है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे, तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे। देखिए बच्चों पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद यह आंसर करना है। देखिए इसमें क्या बता रखा है, पहले उत्तीर्ण बता रखे हैं, दोनों विषय में क्या बता रखे हैं उत्तीर्ण, 60% विज्ञान में, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं, हमें तो लास्ट का देखना है, लास्ट में क्या बता रखा है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, क्या बता रखा है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, मतलब फेल बता रखे हैं कितने हैं 220 हैं, तो देखिए दोनों विषयों में तो फेल बताए रखे हैं, तो हम पहले विज्ञान में और हिंदी में पास बता रखे हैं, तो उनको फेल करो, 60% को फेल करेंगे, देखिए या तो फेल कर लीजिए इनको या फिर पास को फेल कर लो या फेल को पास कर लो, तो हमने देखिए लास्ट में अनुतीन बता रखा है तो अनुतीन में बाद में कर लेंगे, पहले पास वाले ऐड कर लो, पास वाले ऐड करेंगे कितना आएगा 70% और 60% पास हैं तो कितना हो गया टोटल 130% हो गया। अब देखिए 15% क्या है
अनुत्तीर्ण है, 15% क्या है अनुत्तीर्ण है, तो पास कितने हैं, 85% पास हैं। टोटल 100 होता है, तो 100 में 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 85% आएगा। अब 130 में से 130 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब 45 आ जाएगा, 45% के इक्वल क्या आएगा, 220। देखिए 45 क्या आया है, 45 क्या आया है, 5 पास आए हैं, तो हमें तो लास्ट में देखिए अनुत्तीर्ण छात्र संख्या दे रखी है 220। तो जब अनुत्तीर्ण दे रखा है तो हमें इसको भी अनुत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो 45 पे अगर पास हैं तो टोटल 100 होते हैं, 100 में 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 55 पे। तो 55% परसेंट में 55, तो ये किसके इक्वल आएगा, 220 के। 1% क्या आ जाएगा, कम आएगा, 1% कम आएगा, तो 55 का डिवाइड होगा, डिवाइड किया 100% आया। कुल छात्र कितने बैठे हैं परीक्षा में, 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 400 आंसर आ रहा है। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, 400। देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप है, 7 की टाइप है चुनाव संबंधी। कौन सी है, 7 की टाइप है चुनाव संबंधी। देखिए हमारे यहाँ सरपंचों के और चुनाव भी होते हैं, डेलीगेट के भी होते हैं, इनमें देखिए कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो दो कैंडिडेट होते हैं उसमें, तो सीधा सीधा ये देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, मतलब दो कैंडिडेट थे जिनमें एक प्रत्याशी एक कैंडिडेट को 65% मत प्राप्त हुए। देखिए एक कैंडिडेट को 65% मत प्राप्त हुए, लेकिन वह क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वह 2100 मतों से विजयी हो गया। कितनों से हो गया, 2100 मतों से विजयी हो गया, मतलब कि 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। देखिए फर्स्ट प्रत्याशी है उसको 65% प्राप्त हुए हैं, तो सेकंड को कितने होंगे, टोटल होता है 100, 100 में से 65 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे, 35%। अब देखिए एक तो जीतेगा एक हारेगा, अब जीतता है 2100 मतों से तो दूसरा 2100 मतों से हारा है, तो इनके मतों का अंतर कितना है, 2100 मतलब 2100, इतने मतों क्या है अंतर है, प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा 30% का। तो 30% इक्वल क्या हो जाएगा, 2100, 1% कम आएगा तो 30 का क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 100% आए कुल मत, तो 100% आएगा। तो देखिए इसके बाद में इसका आंसर कितना आ रहा है, काट पीट के 7000 कितना आता आएगा, कितना आ जाएगा 7000, ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए मतों का, चुनाव में डाले गए मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, एक हार गया तो दूसरा जीत गया, इन मतों का अंतर कितना आ गया, 15,000 आ गया, माने 15,000 आ गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। देखिए बच्चों 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार हारा है, दूसरे को कितने मिलेंगे, वही है 35 माइनस हो जाएंगे तो 65 मिलेंगे दूसरे को, तो परसेंट का अंतर कितना हो जाएगा, 30% का हो जाएगा। तो एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हारा है तो दूसरा जीतता है, तो 15,000 क्या हो गया अंतर हो गया, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 15,000। 1% क्या हो जाएगा, कम होगा, तो 1% कितना आ जाएगा, 500। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बढ़िए, पहले वाले क्वेश्चन में कुल मत पूछे थे, इसे पूछे हैं जीतने वाले उम्मीदवारों कुल कितने वोट मिलेंगे, तो जीतने वाले का परसेंटेज कितना है 65 पे, अब की बार 100% नहीं करेंगे, जीतने वाले का ही करेंगे, जो पूछा है उसका करना है, 65% होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 500 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32,500, मतलब कि 32,500 मत आ जाएंगे जीतने वाले के।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखिए बच्चों, एक प्रत्याशी है उसको 60% मत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए हैं, एक को 60% तो दूसरे को 40%, दोनों का अंतर कितना है 20% का। देखिए हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए हैं, तो 2400 उसको जीतने वाले को ज्यादा हुए हैं, तो दोनों का अंतर कितना है 2400, 20% के इक्वल क्या आ जाएगा 2400, 1% के इक्वल क्या आ जाएगा, कम आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जीतने वाला ज्यादा परसेंट प्राप्त होगा, 60%, 60% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 को 60 से करेंगे डिवाइड तो 3 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7200, मतलब कि 7200 मत प्राप्त हुए। देखिए बच्चों, यहां तक आज हम कर चुके, मतलब चुनाव संबंधित तक हम कर चुके। कल अगली टाइप लेके आऊंगा आपके लिए, कल और ही मजा आएगा आपको। कल अच्छी से अच्छे देखो तैयारी भी किया करो। अब देखिए लॉकडाउन चल रहा है, घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चों की हेल्प हो सके। समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और कल करेंगे।